हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 4, रासायनिक बलगतिकी से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभिक्रिया की दर, यह इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है। मतलब अभिक्रिया किस गति से हो रही है उसी को बोलेंगे अभिक्रिया की दर। अब अभिकारक के अणु जितनी जल्दी जल्दी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, मतलब अभिक्रिया उतनी तेज है, या उत्पाद के अणु जितनी जल्दी बनते जाएंगे मतलब अभिक्रिया उतनी ज्यादा क्या है, तेज है। अब घटना या बढ़ना दोनों को अपन परिवर्तन बोल सकते हैं, इसलिए हमने यहां परिवर्तन शब्द यूज करा है। तो यह इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है। जबकि यह क्या है, दर स्थिरांक, तो नाम से स्पष्ट है स्थिरांक, और दर मतलब दर से संबंधित होगा, मतलब दर नियम समीकरण जिसमें हम क्या करते हैं अभिक्रिया की दर को शो करते हैं, तो उसमें एक समानुपाती स्थिरांक लगता है, उसी को बोलेंगे दर स्थिरांक। तो दर नियम समीकरण में उपस्थित समानुपाती स्थिरांक को क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। अब अभिक्रिया की दर जो रहती है वह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर अभिकारक के अणु ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया की दर भी ज्यादा होती है, और अगर अभिकारक के अणु कम होंगे तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी। मतलब अभिकारक की सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया की दर ज्यादा, अभिकारक की सांद्रता कम तो अभिक्रिया की दर कम। तो यह अभिक्रिया की यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। जबकि दर स्थिरांक को अभिकारक की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं होता, वह एक स्थिरांक होता है, तो यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब अभिक्रिया की दर की इकाई जो होती है वो होती मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। जबकि दर स्थिरांक की जो इकाई होती है वो अलग अलग होती है, वो अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करती है। शून्य कोटि के लिए अलग होती है, प्रथम के लिए अलग, द्वितीय के लिए अलग, तृतीय के लिए अलग। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो उम्मीद है आपको दोनों में अंतर समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।